आज आप सभी को राग यमन से शुरू कर रहे हैं। हमारे घर आने की जो पद्धति है यमन से, वही आपको हम बताएंगे। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सरगम बजाएं, सारे गामा पाधानी से। मैं तीन ताल लगाता हूं, सारे गामा पाधानी दो चार दफे बजाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ। अब इसको आधा डबल आधा सिंगल, क्या है कि कुछ आलाप पोषण बजाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं, और आप उसी को फॉलो करेंगे। अब हल्का तबला चल रहा है, मैं उसको ऑफ कर दूं किसी को। आप सब इतने ग्रुप में हैं तो अलाप के साथ सिखाना मुश्किल है, इसीलिए लय के साथ सिखा रहा हूं।
मैं बीच में आ रहा हूं, तो वहीं वैसे पकड़ना आपको। सभी को पता होगा बंदिश शाम बजाए मन में मुरलिया, मंदिर बजाते हैं। नहीं कर रहे हैं, ध्यान करेंगे तभी होगा। संगीत में क्या है, अपने आप को जब सीख रहे हैं तो दिमाग सुरों की तरफ, तालों की तरफ, रागों की तरफ होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। एक फ्रेज बता रहे हैं, उस फ्रेज को करना है, तो उसको ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो एक आदमी और एक के पीछे नहीं जाना है। खुद कॉन्फिडेंस के साथ खुद रियाज, 10 लोग बजा रहे वो क्या बजा रहे फॉलो करके नहीं आना है, एक साथ आना है।
ये कोई तान या वो चीज नहीं है, ये है जो अलंकार है, जो एक्सरसाइज है, जो आप सरगम बजाते हैं वो चीज है, उसी को अगर आप ढंग से करेंगे तभी होगा। ये अब गमक है, हम लोग क्या करते हैं कि राग यमन का जो एक्सरसाइज है, जो अलंकार है, हम इसको ना बता के बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। इसमें क्या है कि अभी आपको बहुत सारे सरगम बजाने, ये सारे गा रे गा मा गामा पा सारे गामा रे गामा पा सारे सागा रे मा, जितने भी अलंकार हैं उसको रिदमिक स्टाइल से आप उसको कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि नी रे गामा धानी जाएंगे तभी वो तीन ताल में आ पाएगा, नहीं, ये सिंपल तरीके से अगर रियाज करते हैं तो सही होगा, और जितना रियाज करेंगे उतना ही ये आनंद आएगा। अक्सर क्या होता है आज के वक्त पे जितने शागिर्द हैं वो चाहते हैं कि बस फटाफट आ जाए, बरसों करने के बाद भी हमें लगता है कि कुछ नहीं आया, गुरुओं को नहीं लगता है, गुरुओं को लगता है कि अभी हमें अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, और आप सबको लगता है कि जितनी जल्दी हो जाए मैं कहीं स्टेज पे बजाने लगूँ, फिल्मी गाना बजाने लगूँ। फिल्मी गाना भी बजाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ फिल्मी बजाएं, इल्मी भी होना चाहिए, क्लासिकल भी, राग रागनी ये वो, जब तक अगर आप प्रॉपर ढंग से नहीं सीख पाएंगे। अक्सर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, इधर उधर यूट्यूब पे भी एक से बढ़कर एक उस्ताद, एक गुरुओं का चीज़ें पड़ी हैं, मतलब वो सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, वो बुराई नहीं है, लेकिन विगनर को नहीं सुनना चाहिए, जिनको फ्लूट या कोई चीज़ में नहीं आता है, संगीत का इतना ज्ञान नहीं है, वो जाके गुरु के पास जब तक नहीं सीखेगा तब तक उनको कुछ नहीं आएगा। यानी कि यूट्यूब में चलाते बहुत सारे मेरे पास आते हैं, गुरु जी मैं तो किससे सीखा, नहीं मैं तो सीख ही नहीं पाया, मैं तो यूट्यूब से सुन सुन के मैं कुछ बजा रहा हूँ, तो बहुत बेसुरा, बहुत बेताले होते हैं, उनको ठीक करना मुश्किल होता है। जब जो बेसुरा हो जाता है उसको ठीक करना मुश्किल होता है, जो बेताला रहता है। वैसे ईश्वर तो सबको सुर ताल देके ही भेजता है, लेकिन अगर बेढंगे रियाज करेंगे, बेढंगे तरीके से करेंगे तो कभी नहीं आएगा। हाँ, इतने विद्वान हिंदुस्तान में पड़े, इतने गुणी पड़े हैं जाके, और अगर आपका टीचर कोई गाने वाला भी है, अगर बांसुरी बता रहा है उनसे भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप गाने वाले से सितार नहीं सकते या बांसुरी नहीं सकते, या जब तबला प्लेयर हैं तो उनसे रिदम की तालीम भी ले सकते हैं, और रिदम आना चाहिए, सबसे ज़रूरी है कि रिदम का। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, जैसे आप लोग सारे हैं, मैं रिदम के साथ ही उनको रियाज कराता हूँ, रिदम के साथ रियाज कराने में ही सबको आनंद आता है। ये नहीं कि पता चला मैंने आपको लिख के दे दिया और घर में रियाज करो, कैसे भी तानपुरा नहीं, सुर नहीं, कुछ भी, तो कितने साल तक लगे रहेंगे, नहीं होगा। विदाउट स्वर के साथ रियाज किए अच्छा नहीं होगा। पहले के ज़माना अलग था कि हम लोग अगर कुछ सुन लेते थे गुरुओं के तो दिमाग में बच जाता था, आज क्या कंप्यूटर वक्त है, बहुत सारी चीज़ें उनको याद होती है, नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। जैसे आज के ये सब्जेक्ट हम लोग ने क्या कि वर्कशॉप का ये करते हैं और इसमें आपको रिकॉर्ड भी करते हैं बच्चे लोग, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप जो भी चीज़ बजाएं उसको ध्यान से सुनें और फिर बजाएं, तब तो मज़ा है। जैसे बंदिश है, बंदिश बता दिए आप, बंदिश में कैसे लगाना है ये आपको करना है, मैंने थोड़ा अलाप का ढंग बता दिया, दो चार ताने बता दी, कुछ कर दी, इसको पूरा कंपोज करके आपको 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जो भी प्रोग्राम करना है उसको आप अपने ढंग से करेंगे, अपने ढंग से करेंगे तभी कुछ बजा पाएंगे, तभी अपने दोस्तों या किसी अच्छे महफिल में सुना पाएंगे। तो उसको अगर ध्यान देने के लिए आपको थोड़ा सा रियाज करना है, रियाज बहुत ज़रूरी है, कहीं भी मतलब जितना भी रियाज करेंगे वो हमारे संगीत के हिसाब से कम होता है, तभी तो जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उस तरह कलाकार लोग अपना रियाज कर करके तपस्या करते हैं, तब जाके एक विद्वान कलाकार बनते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें करते हैं, बंदिश सभी एक साथ, 1 2 3।
सा ध्यान दीजिए। अच्छा, जिनसे नहीं बज रहा है ना, वो ना बजाए और बैठे रहे, संगीत की तरफ ध्यान दें। ध्यान देंगे तभी अच्छा बज पाएगा। जैसे गमक की स्टाइल है, मोहन बजाना है। मारेंगे ना,
इसमें क्या है कि प्रॉपर त्याही तो जब तबला प्लेयर होगा तब उसके साथ होगा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट फिर हम लोग जब बैठेंगे दूसरे राग पे करेंगे। तो राग यमन पे आप लोग खूब रियाज करिए, है ना, जितना रियाज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद।